पूरा देहरादून अभी आ चुकी है धूप। वाह वाह, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे सब लोग, मैं हूँ रोहित और स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस यार, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और अभी मैं जाऊँगा द्वारा, और तो मेरे एक दोस्त है ऋषभ भाई, तो मैं उनके साथ जाऊँगा। और शायद आपने ऋषभ भाई को कभी ब्लॉग में देखा होगा या फर्स्ट टाइम देखेंगे मेरे ब्लॉग में, तो उनके साथ जाऊँगा मैं। तो अभी 5:30 बज रहे हैं और 6 बजे हम निकल जाएंगे, तो यहीं आएंगे वो मेरे रूम के बाहर पे। बाहर लग रही है ठंड, तो इसीलिए मैंने अपर पहन लिया है, और फिर पहले चाय पियेंगे यार रास्ते में कहीं पे, तब जाएंगे, क्योंकि अब ठंड लगने लग गई यार सुबह सुबह बहुत ज़्यादा। कल भी मैं संडे को कहीं गया था तो सुबह सुबह तो बहुत ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, और पहन लिया मैंने अपर, अब निकलते हैं वाले हैं। बाहर देख रहे होंगे यार आप, अभी भी अंधेरा है हल्का हल्का। 5:50 सुबह के, और अभी आप अंधेरा देख रहे होंगे यार। हम जा रहे हैं द्वारा, और द्वारा मतलब देहरादून की एक मस्त, यहाँ से देहरादून बहुत मस्त दिखता है, और वहाँ पे जाएंगे तो दिखाएंगे आपको। ऋषभ भाई पहुँच चुके हैं। हेलो ऋषभ भाई, और ये तो लौंडो की वो खून में है ऐसे तेल देखना। क्यों यार, इसमें ना वोट दिखा नहीं रहा यार, वो चेक कर रहे हैं गाइस। तो ये है ऋषभ भाई, और ऋषभ भाई को आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा मेरी ब्लॉग में। मेरी तो फट चुकी है ठंड से, और मेरे को मोटिवेशन। अब जा रहे हैं ऋषभ भाई, भाई ठंड लग रही है। हम पहुंच चुके हैं थाना प्रताप चौक, और अभी हम जा रहे हैं माल देवता की तरफ आगे, यहाँ से स्टेडियम जाते हैं, यहाँ से जाते हैं माल देवता की तरफ। और इस रोड पे अभी आपको बहुत सारे रनिंग करते हुए दिखेंगे, साइकिलिंग करते हुए दिखेंगे, तो ये काफ़ी फेमस रूट है साइकिलिस्ट के लिए इस रोड पे। और हमें जाना है उस पहाड़ पे, वहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे जाएंगे हम। अभी हम आ चुके हैं पहाड़ वाली रोड पे, ये देख रहे होंगे आप, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं द्वारा टॉप पे। कुछ दिन पहले आए थे तो मेरे को रास्ता पता नहीं था, ऋषभ भाई ने बता दिया है, उस दिन मैं भटक गया था। सनराइज होने वाला है, और कितना जोश है हमें यार घूमने का ना। बात तो सही है। ओ भाई भाई, कर लिए बाइक खड़ी, और अब हम जाएंगे ऊपर। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके लोकेशन पे, और वो है पूरा देहरादून। ओ भाई धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ओहो, यहाँ तो मस्त कैंपिंग भी कर सकते हैं अब पता चल रहा है हमें, और उस साइड जाना अलाउड नहीं है। ओहो, से सनराइज होने वाला है, और ये देखो क्या मस्त, अगर हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे कुछ टाइम बाद तो क्या मस्त लगेगा ना, रात को पूरा देहरादून दिखेगा ऐसे। और यहाँ पे मतलब मस्त है कैंपिंग करने के लिए, यहाँ पे अपना मस्त टेंट लगाओ, और ये देखो भाई। सुबह हम उठे थे बहुत जल्दी, और पैसा वसूल हो चुका है यार, क्या लोकेशन है यार, बहुत सारी फ़ोटोज़ हमने खिंचवा ली है, तो आप देख लेना मेरे अकाउंट पे, फिर वहाँ से ऋषभ भाई के अकाउंट भी देख लेना, जो मेरा पेज है एडिटर रोहित उस पर देखना, उस पर मैं सबकी वीडियो फ़ोटो अपलोड करता हूँ, मतलब जितनी भी मैं क्लिक करता हूँ, मतलब जो मेरे को अच्छी लगती है मैं वो उसको अपने एडिटर पेज पे ना अपलोड करता हूँ। लेकिन भाई क्या लोकेशन है, पीछे पूरा देहरादून दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले एक और लोकेशन हुआ करती थी ऊपर पे, और वहाँ पे जाना अब अलाउड नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसे हो जाता था, बहुत सारे बैड एलिमेंट्स आते थे वहाँ पर, कोई दारू पीने आ रहा है, कोई लड़कियों के साथ आ रहा है, तो फिर गाँव वाले अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए अब वहाँ पर जाना बंद हो चुका है। सो अभी देखा यार क्या फोटो आई है यार यहाँ पे, और थैंक यू ऋषभ भाई यार इतनी मस्त लोकेशन दिखाने के लिए। और ऋषभ भाई बचपन से ही आए हैं तो उन्हें सब जगह पता है, मतलब बहुत घूमते हैं ऋषभ भाई भी,
और आप देहरादून की जितनी भी लोकेशन है वो मेरे को ऋषभ भाई बताएंगे, क्योंकि मेरे को भी घूमने का बहुत शौक है। और कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे भाई, ये तो मैंने सोच लिया है। और क्या मस्त लगेगा यार यहाँ पे अगर हम अपना टेंट लगाएंगे और पीछे पूरा देहरादून दिखेगा, मतलब अलग ही फील होगा वो। सो फिलहाल अभी चलते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, चाय पियेंगे मस्त करके। लेकिन भाई पैसा वसूल हो चुका है पूरा देहरादून, अभी आ चुकी है धूप। ओहो, सो लेट्स गो। ना हॉस्टल का यार मिला यार। ये देखो यार 20 रुपये दे रहे हैं भाई, यहीं पे आएगा, यहीं आएगी चाय। मुकुल, और अभी हमें अपने हॉस्टल का दोस्त मुकुल मिला। ये तो अब ये मुकुल भाई की तरफ से आज चाय है। जैसे कैमरा बंद हुआ चल भाग घर की है। और ये देखो मुकुल भाई की दुकान है माल देवता में, किसी को भी आना हो तो 500 का सामान 250 में। ए गाड़ी स्टार्ट कर। बाय बाय। आपने हमें चाय पिलाई। तो माल देवता में ये देख रहे होंगे आप, ये जो मंदिर है इसके यहाँ पे है मुकुल भाई की दुकान। बाय। सब हम चलते हैं। सो गाइस घर आके मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ये देखो मैंने सारे ब्रेड सेक लिए हैं, छोटे ब्रेड हैं ये, और अब इसमें लगाऊंगा जैम, ये खाऊंगा। सो गाइस यार अभी मैं जा रहा हूँ जिम, और आजकल पता है ये ब्लॉग मैं बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, मतलब जब मैं यहाँ गया था द्वारा उसके कुछ दिन बाद ही बना रहा हूँ मैं ये ब्लॉग, साथ में कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 4-5 दिन बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं बहुत बिजी हूँ यार। तो फिलहाल अभी चलता हूँ मैं जिम और डोला। सो अभी मैं जाऊँगा कॉम्बैक जोन, और जो कि रायपुर में है, रायपुर देहरादून में। सो काफ़ी अच्छा जिम है, सबसे फेमस जिम है ये रायपुर का, और बहुत जल्दी टॉप पे आने वाला है। ये है रायपुर चौक, सो ये है जिम, कॉम्बैक जिम, और इसी में एमएमए वाला पोर्शन भी है, इधर होती है एमएमए की क्लासेस। सो गाइस यार मैं आ चुका हूँ जिम से, और धीरे धीरे बॉडी भी बनेगी अब, और काफ़ी मज़ा आया मेरे को। तो वहाँ पे मैं शूट भी करता हूँ, और मतलब थोड़ा बहुत मैं वर्कआउट भी करता हूँ। सो मैं बनाता हूँ रोटी, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और भूख भी लग रही है अब। सो मैं रोटी बनाऊँगा, और जो दिन की दाल है, जो मैंने दिन में दाल बनाता हूँ मैं वही खाता हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मतलब काफ़ी लेट हो जाता हूँ मैं, आते आते 10 बज जाते हैं, फिर थोड़ा खाना बनाने में आलस आता है मेरे को, तो इसलिए मैं दिन को ही बना देता हूँ, जो भी बनाऊँगा थोड़ा एक्स्ट्रा बना देता हूँ ताकि मैं रात में भी खा लूँ। और अभी मैं आके बस रोटियाँ बनाता हूँ, उसके बाद खाया पिया एडिटिंग करता हूँ, फिर सो जाता हूँ। सो अभी जाते हैं, आटा मैंने गूंद दिया, अब बस रोटी बनाता हूँ। हम भी सीख चुके हैं गोल रोटी बनाना। तो गाइस अब मैं करता हूँ डिनर, साथ में मैं देख रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और साथ में मैं पीऊँगा दूध, खाऊँगा रोटी। तो मैं ये ना दिन की सब्ज़ी खाता हूँ हमेशा, मतलब बहुत कम होता है मैं रात को बनाता हूँ, वरना ये मैंने दिन में खाया था और यही बचाता हूँ मैं रात के लिए। सुबह जा रहा, अभी बज रहे हैं करेक्ट 12:30, और मैंने एडिटिंग ख़त्म कर ली अपनी, ये वाला ब्लॉग भी मैंने अभी एडिट किया, जो और कुछ एडिट करना था वो भी कर लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब, और मैं कोशिश करूँगा यार कि मैं मतलब हर दिन ब्लॉग बनाऊँ जो भी मेरी लाइफ में होता है, मतलब आजकल बहुत नया नया हो रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा। बट क्या होता है कि
कि मतलब उस काम के चक्कर में मैं थोड़ा इसको भूल जाता हूँ, ब्लॉग भी बनाना है। बहुत बहुत बारी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ लेकिन फिर मैं एंड करता ही नहीं हूँ, तो इस चक्कर में फिर मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं हमेशा हर हर दिन बनाऊँ ब्लॉग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।